सेहत ना देखो बहुत बड़ी नेमत है। हम लोगों ने अपनी रूटीन की वजह से खुद ही अपनी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट किया होता है ना। सिर्फ एक जल्दी सोने की वजह से हम इतना फ्रेश फील कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हम लेक्चर्स पे फोकस कर सकते हैं। सही है, फिर लिटरली लिटरली इट्स द बेस्ट फीलिंग कि जब आप 1, 2, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड पर आपको नींद आ जाए। और बहुत से ऐसे लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं सोने के लिए। सेकेंड है हमारे पास मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या होगी कि आप अपनी मेंटल ग्रूमिंग पे काम करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ा करो, ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस करो। आप इसमें इस्लामी बुक्स भी पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो, जिस तरह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। इसी तरह अब मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को रीडिंग की आदत नहीं होती, इवन आई वॉज वन ऑफ देम। 9th 10th में मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी कि मैं अदर देन कोर्स बुक्स को हाथ भी लगाऊं। तो मेरी बहन पढ़ा करती थी तो मैं उसको देख के कहती होती थी, यार तुम इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ लेती हो। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा खुद ही इतना इंटरेस्ट डिवेलप हो गया कि आपकी इतनी लर्निंग होती है, आपके थॉट्स इतने चेंज होते हैं। तो ये आपकी मेंटल ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग किया करो। स्टार्ट में आप एक दो टॉपिक्स पढ़ लो, एक दो पेज से स्टार्ट कर लो। इसमें क्या करो, आप एक टारगेट सेट करो कि अगर आपने एक बुक स्टार्ट की है ना तो आपने बस उसको ख़त्म करके ही दम लेना है। और आप अच्छी बुक से स्टार्ट करो ताकि आपका फिर वो उस आहिस्ता आहिस्ता ना इंटरेस्ट डिवेलप होना स्टार्ट हो जाएगा जो आपके टेस्ट को मैच करती हो। सेकंड, आप कुछ अच्छे स्पीकर्स को सुनो, पॉजिटिव स्पीकर्स को, ठीक है। अब उनसे भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव थॉट्स डिवेलप होंगे। ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स एंड स्माइल जेन्युइनली। मुस्कुराने से भी आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, मैं लिटरली उस वक्त दिल से मुस्कुरा रही होती हूँ। नहीं, कुछ लोग आके ऐसे भी कह रहे होते हैं कि यार जो ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं ना वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइनली स्माइल कर रही होती हूँ। पर ये ऐसा तब होता है जब आप लिटरली ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो ना आपकी, तो आप बस खुश रह रहे होते हो। तो वो आप उसमें से क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो। जब अब भी आप लोगों से मिलो, आपका इंटरेक्शन हो, तो आप उनसे इतनी खुश दिली से मिलो कि बस अगला बंदा खुश हो जाए कि उसको एक इतना स्पेशल फील हो। इस तरह मेरी पॉइंट में मुझे एक आप ही मिलती हैं, और उन वो तो बहुत ही कमाल तरीके से मिलती हैं। आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलो, वो आपको ऐसे मिलेंगी जैसे आपका उनसे सदियों से कोई रिलेशन है, आप जिगरी दोस्त हो आप ऐसे। तो आप ये प्रैक्टिस चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद ही एक फ्रेश और पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी। फिर ट्राई टू मेक डिपॉजिट्स इन योर इमोशनल बैंक अकाउंट। आपके इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है किसी के साथ, आपके दोस्त, आपके सिबलिंग्स, तो उस इमोशनल बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट्स करो, विदड्रॉल कम करो, ठीक है। डिपॉजिट्स क्या है, आपकी लव, केयर, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। फिर अपने टैलेंट को यूज़ करो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना किसी चीज़ से नवाजा होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसको किसी प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज करो। फिर आप खुद ही आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये अब हैबिट 3 सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हैबिट 2 ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, अब ये सारी चीज़ें अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी हैबिट्स को क्या कर रहे हो, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हो, और यही शार्पन द सॉ है। थर्ड हमारे पास आ जाती है स्पिरिचुअल रिन्यूअल। स्पिरिचुअल रिन्यूअल क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने कोर और सेंटर के इर्द गिर्द गुजारो, ठीक है। आप अपने सेंटर और कोर को आइडेंटिफाई करो और फिर उसके मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारो। प्रिंसिपल सेंटर और हमारा कोर सेंटर क्या है कि हमारा दीन है। और सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला ने ना हमारा जो सुकून है वो रखा ही दीन में है। जितना आप दीन के करीब रहते हो ना, आप सुकून आपको मिलता है। जिस तरह नमाज में सुकून है, नमाज पढ़ा करें, और ये 5 वक्त की नमाज है। और नमाज इसलिए भी नहीं पढ़नी कि आपको, ठीक है, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ते और आप नमाज स्टार्ट करने लगे हो तो आप ये सोचिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो कि हाँ मुझे नमाज में सुकून मिलेगा इसलिए मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। देखो, नमाज हमेशा आपने फ़र्ज़ पढ़ कर समझ कर स्टार्ट करनी है कि बस अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है और ये काम मैंने करना ही करना है, ठीक है। तो आप उस तरह फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दो।
अगर आप सुकून की वो उससे जाओगे ना माइंडसेट से, तो आपको क्या कहते हैं स्टार्ट में जब तक सुकून मिलेगा ना आप नमाज़ पढ़ोगे, जैसे ही सुकून मिलना स्टार्ट होगी, सुकून अगर नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो फिर आप कहोगे यार नहीं मैं नहीं नमाज़ पढ़ी, तो आप फर्ज समझ कर जाओ, जब आपकी वो खुद ही से एक वो आदत बन जाएगी ना, तो फिर आपको हमेशा एक उसमें सुकून मिला करेगा। फिर जब आप नहीं पढ़ रहे होगे ना, तो फिर आपको एक टेंशन स्टार्ट हो जाएगी यार नमाज़ रहेगी नमाज़ रहेगी। तो यही स्पिरिचुअलिटी है, जितनी ही आप इसके करीब रहोगे अल्लाह के करीब रहोगे, तो वो क्या होगा आपको सुकून मिलेगा। अब ये किस तरह रिलेट करिए, हैबिट टू से रिलेट करिए, ठीक है। आप विजुलाइज कर रहे होते हो फिर आप अपनी ज़िंदगी को उसके कोर के सेंटर, हमने पढ़े थे ना उसमें प्रिंसिपल सेंटर होना चाहिए। अब आप सेकंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात किससे किस तरह करनी है, ठीक है। हकुकुल अल्लाह के बाद हकुकुल इबाद भी हैं। कुछ लोग बड़े ब्लंट होकर सच बोल रहे होते हैं कि जी हम तो सच बोल रहे हैं, सच्ची बात अब ऐसी है तो वैसी है। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले बंदे को इंसल्ट कर लो, आपको पता होना चाहिए कि किससे किस तरह बात करनी है, कैसे करनी है। और यही तो मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी क्या थी, इज़ द बैलेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड करेज, कि आप अपनी फीलिंग्स और अपने जो कन्विक्शंस हैं उनको दूसरे की फीलिंग्स और कन्विक्शंस को भी जहन में रखते हुए एक्सप्रेस करो। फिर आपने कोई भी डिसीजन लेना है अपनी ज़िंदगी का, तो उसमें कुरान और सुन्नत की बेस पे लो, रूहानियत को बढ़ाओ, देखो आपका अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक कैसा है। इसके लिए आप एनालाइज करो कि आप खुद ही एनालाइज करो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, आप अपने बेहतरीन जज आप खुद दो, ठीक है। तो आप खुद ही एनालाइज करो। फोर्थ हमारे पास है सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन। अब ये क्या है कि जो है हम लोगों ने पहले तीन डायमेंशन पढ़ी है ना, ये हैबिट वन टू और थ्री पे फोकस करनी है। नेक्स्ट जो है ये हैबिट 4 और 5 और 6 पे फोकस करनी है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए भी ना आपको यू मस्ट हैव द स्किल ऑफ हैबिट 1 एंड 1, 2 और 3, तभी आप क्या कर सकते हो नेचुरली बिहेव कर सकते हो लोगों के साथ, फिर आप फेक प्रिटेंड नहीं कर लोगे एटलीस्ट। तो सोशल और इमोशनल डायमेंशन में क्या करना है कि अब ये आपस में लिंक क्यों कर रही हैं सोशल और इमोशनल, कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो मोस्टली जब आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है तब ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को देखना है कि अगर आप कोई इंसान, आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है कि अगर कोई आपको इस वक्त कोई बात करे, इवन आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके सामने तो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमने उफ भी नहीं करनी। तो अगर आपके कोई पेरेंट्स आपको किसी बात पे समझा रहे हैं या डांट रहे हैं, नो मैटर कि अगर वो गलत भी हैं, तो उस वक्त आप उस सिचुएशन में देखो कि इस सिचुएशन में मुझे अभी फ़िलहाल चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या पता कि अगर उस सिचुएशन में आप बोलो तो वो सिचुएशन और वर्स हो जाए। तो आपने अपने सोशल और इमोशनल डायमेंशन पे भी काम करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने अपने गुस्से में ये नहीं करना कि आप गुस्से में ऐसी बातें कह दो कि अगला बंदा हर्ट ही हो जाए। तो ये सोशल और इमोशनल डायमेंशन में आप क्या काम कर रहे हो, अपनी एम्पैथिक कम्युनिकेशन हैबिट 5, लीडरशिप और क्रिएटिव कोऑपरेशन पे, साइनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी। अब ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हैबिट 4 और 5, 6 का भी आपकी क्या हो जाएगी, आप इनको उसकी आरी भी आपकी तेज़ हो जाएगी।